ईश्वर तो गटगट का वासी है, फिर इस गट में ये ठेका है कि आप में क्यों नहीं है, तो सब में बैठा है। मैं तो आपको उससे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, परिचय करवा दूंगा, बाकी सारी दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्ती का मतलब उसको नाम जपो, उसका नाम जपोगे तो आखिर तंग आकर कहना पड़ेगा यस कम, रोक नहीं सकता। अब एक तो बहुत परिवर्तन अधिक आ रहा जो विज्ञान के लिए चुनौती, मेरी तस्वीर से योग होने लगे। हम मूर्ति पूजकों को लोग ऑर्थोडॉक्स कहते, ऑर्थोडॉक्स। कई डॉक्टर्स ने मुझे जोधपुर में कहा, गुरु जी अगर हम आपकी बात मान रहे हैं तो ऑर्थोडॉक्स कहें, प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, बहुत छोटे से डॉक्टर से। तो मैंने कहा भाई मैंने तो पश्चिम को ऑर्थोडॉक्स बनाना, तो ये तस्वीर से क्यों हो रहा है इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैंने आराधना की, मजबूरी में फंस के आराधना की, परेशानी में फंस के आराधना की, कैंसर के बीमारी वाले आते परेशानी में फंस के आते मेरे पास, उसी तरह से मेरे को भी एक प्रकार का टेंशन हो गया तो आराधना कर लिया। स्टार्ट गायत्री मंत्र से हुआ, सवा लाख मंत्रों की आहुति के साथ एक प्रवचन को रखे, उसके बाद में वो मन ही जाता था तब आराधना की गायत्री के, तो गायत्री बना गया। तो ये फिजिकल बॉडी जो डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, ये शरीर जिस ऊर्जा से बना है, जिस एनर्जी से बना है, वो अपने असली जड़ में पहुंचे, ये बॉडी जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो। फिर मैं जो लोगों ने बताया कि ये अर्थ क्या है कि उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है, फिर मैंने सोचा ये ऐसा रंग है तो अपने मंत्र का और मंत्रों से कपट करते तो कृष्ण वाली सिद्धि होगी। 69 में गायत्री सिद्धि हुई और 84 में कृष्ण वाली सिद्धि होगी। अब ये मतलब शरीर धारियों में कृष्ण 9वें अवतार थे, अवतार थे हमारे, अब वो फिजिक्स में आ गए। तो अब ये जो दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में होगी, इसलिए मेरी तस्वीर से परिवर्तन आने लग गया। मैं उनको कहता हूँ तस्वीर तो एक निर्जीव मैटर है, उस मेरी तस्वीर पे तो प्राण नहीं है ना, जान नहीं है ना, मैं तो मतलब और कर सकता हूँ, मगर वो तस्वीर क्यों कर रही है? इसका जवाब प्रसिद्ध देना है। आज लाखों एड्स रोगी इस देश में मेरे वेबसाइट से तस्वीर निकाल करके ध्यान कर रहे हैं और उनको योग हो रहा है, खेचरी मुद्रा लग रही है, लेकिन तेरे को भी खेचरी मुद्रा लग रही है मद्रास में। अब तस्वीर से खेचरी लगी, अब खेचरी क्या है बताओ, आपको शायद मालूम हो, कई उनको योग में कई प्रकार की मुद्राएं होती है, उसमें एक खेचरी मुद्रा होती है, उसमें क्या करते मतलब उसमें जीप पीछे खींच के तालू में धस जाती है और अंदर से एक रस टपकता है, तो उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है। गोकर्ण जी ने कहा है गगन मंडल में ऊंधा कुआ था अमृत का वासा, सुगड़ा हो बरगर पीवे निगुरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार अगर खेचरी मुद्रा लगती और अमृत है तो भाई ये जन्म आखिरी जन्म है, अमर होने का मतलब क्या है, दूसरा जन्म नहीं होगा, ये आखिरी जीवन होगा। तो हमारा योग तो इस जन्म मरण के साइकिल से छुड़वाने का एक तरीका है, रोग मिटाने का नहीं। पातंजलि योग दर्शन की दुआई देने वाले देश में लोग समझे नहीं समझे, उनको कहो कि पातंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र है, उसमें एक शब्द रोग के बारे में नहीं लिखा। रोग मिटता है पातंजलि योग दर्शन में, पातंजलि ऋषि ने इसके बारे में एक शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे दर्शन का उद्देश्य रोग नहीं है, मोक्ष है। चल रहा था बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं। अब मैं तुमको एंट्री फीस लेके 1000 रुपए दे तब एक ज्ञान दूंगा, और नहीं आएगा तो एड्स वाले को उतारने पड़ेगा बेचारों, वो 1000 रुपए देने पड़ेगा। मैं बॉम्बे में था, गुजराती ने कहा गुरु जी पैसे बिना पार नहीं पड़ता, ये कलयुग है तो कुछ आप फीस लगा। मैंने कहा राम का नाम बेचा नहीं जा सकता,
ओनर का एंट्री फीस लगा दो। मैंने कहा चलो तुम कहते हो तो लगाता हूं। कितनी लगाऊ? बोलो कम से कम 1100 रुपया। मैंने कहा लगा दूंगा अगले कार्यक्रम से लगा। मेरे बहुत कार्यक्रम है बॉम्बे में, चोर में से वहां जा रहा हूं। मैंने 1100 रुपया अगले टाइम लगा दूंगा। एक बात और बता, कितना धन आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊं? बोले जी संतुष्ट तो नहीं होता आदमी, तो भूख बढ़ती है, भूख बढ़ती है। तो मैंने कहा भैया खाली जेब न्यूयॉर्क जाऊंगा और उनकी नींव हिला दूंगा। तो एक ऐसा दर्शन है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। गुरु जो नाम बताता है उसको आपको जपना, एक दूसरा ध्यान। अब पूरा ही ब्रह्मांड अंदर है तो ध्यान क्या करे? तो हमारे ऋषियों ने इस शरीर को दो भागों में बांटा मोटे तौर से। नव द्वार आंख कान नाक वगैरह नीचे का हिस्सा, ये माया का जगत है। और दसवां द्वार, ये शिव की तीसरी आंख देखिए आप, वो आप सबके है, वो अंदर खुलती है। जब तक ये दसवां द्वार नहीं खुलेगा भाई, ना योग है ना ध्यान है, फिर रोग कहां से मिटा? तो ये रोग मिटाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये जन्म मरण, ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये मेरा चैलेंज है। तो इस प्रकार एक ये आराधना की विधि है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। जिसमें गुरु बताता है, मंत्र दीक्षा देता है, उस मंत्र को जपोगे आप तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। आप लोग बाहर जिस देवी को पूजते शक्ति के रूप, राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अंबा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो साधक का शरीर प्राण मन और बुद्धि अपना कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। रामदेव बाबा की तरह नहीं, वो अंदर बैठा है रामदेव बाबा, आप वो करवाएगा, वो मतलब जगत जननी कुंडलिनी आपके सब योग करवाएगी, वही योग करवाएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे शारीरिक सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, हो रहे हैं, एक नहीं लाखों के हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये दर्शन जो है उसको मैंने विश्व स्तर पर फैलाने के लिए मेरी एक रजिस्टर्ड संस्था है देवस्थान विभाग से, उसका ऑडिट होता है। समझे समझे, जो कुछ कर रहा हूं उसकी जवाबदेही है गवर्नमेंट के प्रति, मेरी देश के प्रति। अब जो एक फर्क इतना है कि अब गुरु आजकल इतने हो गए कि पत्थर मारो तो गुरु के सिर पर पड़ो। मेरे को तो चेला मिला ही नहीं इस देश, सारे गुरु ही गुरु। अरे गुरु को जब गुरु नहीं मानोगे दिल से तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें पढ़े लिखे का काम नहीं है। कबीर तो बिल्कुल अंगूठा साफ था, अनपढ़ साफ था मित्र, फिर कहां तक कहां पहुंच गया? रामानंद से ऊपर पहुंच गया, गुरु से ऊपर बढ़ गया कबीर, मगर बेचारा गुरु नहीं था। वो चल रही है उसके नाम से, कलयुग में तो ऐसा होता है सभी चलती। तो इस प्रकार इसमें नाम जप और ध्यान से होगा। अब आप में जो परिवर्तन आ रहा है, जो लोग जय गुरुदेव, गुरुदेव की स्पीच सुनते सुनते इतना मन लगने लग जाता है कि मन करता है सुनते ही रहो। हमारा ध्यान का समय हो गया है तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लें एवं ध्यान के लिए हम सामूहिक अब शुरू करेंगे ध्यान। जी सभी बच्चे कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें। रंगलाल जी तो आज कोई इंटरव्यू है उनका तो वो बच्चे नहीं जोड़ पाएंगे। हम शुरू करते हैं। जय गुरुदेव सभी को।
गुरुदेव, ध्यान का समय पूरा हुआ। कृपया सभी बच्चे ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा गुरु भाई श्री पीके सिंह जी से, कृपया आए और मंच की आगे की कार्रवाई करें। भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। सभी बच्चों से निवेदन है कि कृपया ध्यान की अवस्था से आप लोग बाहर निकलें और आगे का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। गुरु सियाक सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस की जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का जो इस मंच पे पधारे हैं, हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत। हम आपके आभारी हैं क्योंकि ये गुरुदेव के आदेशानुसार चलने वाला कार्यक्रम है और आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, जब तक आप लोग इस मंच पे नहीं आएंगे, हम किसको बताएंगे? हम गुरु, हमारे गुरु का आदेश है कि दुनिया को बताओ। आज हम मंच संभाल रहे हैं, कल को आप संभालेंगे, इस कार्यक्रम को आगे आप बढ़ाएंगे। ये पद्धति है, ये मतलब कहने का यह है कि दर बदर इसको आगे बढ़ाना है। जैसे आज हम दीक्षित होकर के आप सभी के समक्ष इस योग का प्रचार कर रहे हैं, सिद्ध योग क्या है, कल को आप प्रचार करेंगे, कल को आप दुनिया को बताएंगे जो आपके जीवन बदलाव आता है। हमारे जीवन बदलाव आया गुरु की कृपा से, आपके जीवन बदलाव आएगा गुरु की कृपा से, आप भी दुनिया को बताएंगे, आप भी अपने सगे संबंधियों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे। मैं निवेदन करूंगा ये कार्यक्रम निरंतर हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच चलता है। 9 से 9:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्धियों क्या है, ये कैसे आपके मनुष्य मात्र में काम करता है। और उसके बाद गुरुदेव एक दिव्य मंत्र देते हैं जिसको गुरुदेव कहते हैं कि ये संजीवनी मंत्र है। आप इस मंत्र को जपोगे, आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। उस मंत्र को देख करके गुरुदेव कहते हैं कि 15 मिनट का ध्यान कर लो, मुझे मेरी तस्वीर सामने रख लो और मुझे आज्ञा चक्र पर देखो। फिर उस मंत्र को सारे बच्चे जो भी बेस्ट ध्यान करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी इसी पद्धति को अपनाते हैं, उस नाम को जपते हैं और गुरुदेव को आज्ञा चक्र पर लाने का प्रयास करते हैं। अगर गुरुदेव यहाँ पे दिख जाते हैं तो गुरुदेव कहना है कि फिर आगे की ड्यूटी मेरी, अगर मेरे में कोई गुंजाइश है तो आगे काम शुरू हो जाए। मेरे कहने का मतलब यही है कि सिद्ध योग में जो भी साधक, जो भी बच्चे, जो भी माताएं, जो भी बहनें आते हैं, उनके जीवन बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। गुरुदेव कहते हैं कि क्षण भर की देरी नहीं लगेगी भाई, झुक करके मांग लो। ये समर्पण का विषय है, श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, इसमें लगना कुछ नहीं आपका, आपकी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा लगती है। मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहूंगा क्योंकि आज बच्चे ज्यादा हैं, सबको बारी बारी से मौका देना भी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। तो मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले कौन सा बच्चा अपनी अनुभूतियों को लेकर के मंच पे आ रहे हैं, स्वागत है आपका, हैंड रेज करें और इस मंच की शोभा बढ़ाए। जय गुरुदेव। कोई बच्चा मंच पर अपनी अनुभूतियों को साझा करना चाहे, स्वागत है। मनोरमा मीना जी की आईडी से बच्चे जुड़े हैं जी, स्वागत है। जय गुरुदेव। उदय प्रकाश जी की आईडी से एंड्रेज हुआ है, आपका स्वागत है, मंच पे आइए और अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आज मुझे ये दिखा कि है ना, मतलब ये 5 फूल थे, एक धरती थी और उसके ऊपर 5 फूल थे दोनों तरफ, और एक तरफ में गुरुदेव थे, एक तरफ में दादा गुरुदेव, और ना मतलब ये पहले तो आगे था, फिर है ना वो बहुत ज्यादा पीछे हो गया, ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। जय गुरुदेव। वाह वाह वाह, आप लोगों को गुरुदेव कितनी दिव्य अनुभूतियां कराते हैं, हम तो सुन करके गदगद हो जाते हैं। देवांशी बिटिया, आपका स्वागत है मंच पे।
जय गुरुदेव, ये अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव, मुझे आज ऐसा दिखा कि हम क्या स्कूल बस से जाते हैं तो वो छूट गई थी और मेरी छोटी बहन परीक्षा जग गई थी, इसलिए मम्मा छोड़ने नहीं जा सकती थी और पापा की मॉर्निंग की ड्यूटी थी। फिर बस तो निकल गई थी तो मुझे दिखा कि गुरुदेव हमें छोड़ने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, शाबाश। जब कोई नहीं हमारे साथ तो हमारे साथ गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव कहते हैं मैं तो पल पल आपके साथ हूँ। जय गुरुदेव, उठिया जय गुरुदेव। दिव्य अनुभव है आपका, दिव्य अनुभूति है। गुरुदेव हमारे साथ कभी भी रहते हैं। मनोरमा मीना जी क्या भी स्टैंड रेज हुआ है, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। रिलेटेड में कुछ बोल रही थी, मतलब जैसे जो सिद्ध आवाज आ रही गुरु भाई जी? जी आ रही। जैसे जो भी मतलब सिद्धियों के साधक हैं कृपया वो अपने बच्चों को जरूर जोड़े। तो कल क्या है गुरु भाई, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और मैं करीब 2 साल बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा पाई। पहले मेरी प्रेगनेंसी थी, बीच मेरी छोटी बेटी, कल मैं गई। जो इसकी जो टीचर है ना, जितनी भी टीचर थी, मतलब आप ये देखिए कि वो इतना तारीफ कर रही थी ना कि ये जो बच्चा है ना आपका, मतलब शब्द नहीं है कि क्लास में अगर ये नहीं आया ना तो हमारा मन नहीं लगता। मैं नोटिस बोर्ड पे नोट नहीं करती हूँ ना, उससे पहले ही आंसर दे देती है। वाह वाह वाह। मतलब भाई, मतलब जब मैं बाहर निकली ना स्कूल से तो मेरी आंखों में मतलब आंसू आ गए चिड़ियों पर कि गुरुदेव की इतनी कृपा, क्योंकि गुरुदेव इसके हृदय में बात करते हैं, हर समय इसके साथ रहते हैं, मतलब ये ऐसा फील करती है। और इसके बोलने का जो कॉन्फिडेंस है ना, जैसे अपन जैसे बड़े बात करते हैं ना, आप अगर इसे कुछ भी पूछ लीजिए तो ये ऐसे जवाब देती है कोई मेच्योर पर्सन जवाब दे रहा हो। जी गुरु भाई, मैं तो शब्द कम थे इसकी तारीफ करने में। तो सभी गुरु भाई बहन कम से कम अपने बच्चों को जरूर जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो निवेदन कर रहे हैं, लगातार निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हैं तो सिद्धियोग को अपनाएं, अपने बच्चों को सिद्धियोग से जोड़िए। क्योंकि हम देखिए, हमारा काम है गुरु के आदेश का पालन करते हुए आपको बताना, गुरुदेव का साफ करना कि भाई आप इस जीवन में बता दो मानव मात्र को कि सिद्धियोग क्या है। हमारा हम तो उस बीड़ा को उठा करके घूम रहे हैं, जिसको लाभ लेना होगा गुरुदेव अपनी शरण में ले लेंगे। हम तो बताने से कभी भी पीछे नहीं हटते और बार बार प्रोग्राम में हमें अलाउंस करते हैं, बार बार बताते हैं कि अपने बच्चों को आप जोड़िए, अपने बच्चों को जब आप जोड़िए सिद्धियोग का ध्यान करवाइए, गुरुदेव का ध्यान करवाइए। ध्यान मात्र से, नाम जब से ही आपके जीवन की हर समस्या का समाधान और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जो बच्चे बताते हैं, अभी बिटिया ने बताया कि मम्मी मेरी छोटी बहन जाग गई थी उसकी वजह से नहीं जा पाई, पापा जी की ड्यूटी थी तो हमें जाना था स्कूल, अब कौन जाए साथ में, तो गुरुदेव साथ में गए। दीपा जी की आईडी से एंड्रेज हुआ है, स्वागत है आपका, मंच पे आइए और अपनी बात को रखिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक बंद है आपका। जी बोलिए। मुझे दिखा कि गुरुदेव है ना मेरे घर आए थे। अच्छी बात, ऐसा है ना, आपका चेहरा जो है थोड़ा लाइट के सामने रखिए, आप पीछे बैठे हैं लाइट के, लाइट आपके चेहरे के सामने होनी चाहिए, तब तो आपका चेहरा एकदम साफ दिखेगा। जी अभी ठीक है, फिर भी उसे वो छाया पड़ रही है। अब एकदम जो लाइट आपके सामने ना जल रही है ना, जैसे मैंने जलाया हुआ है, सामने आप बैठेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखेगा। चलिए अब ठीक है, आप रखिए अपनी बात। तो गुरुदेव हमारे घर आए और ना मैंने उनकी सेवा करी। बाबा किस प्रकार से आपने सेवा की गुरुदेव की? मतलब कि मैंने भोजन दिया, पानी दिया और फिर उनके पैर दबाए। वाह वाह,
और फिर आप तो धन्य हो गए गुरु सेवा करके भाई, क्योंकि बड़े सौभाग्य से गुरु के चरण मिलते हैं सेवा करने के, दबाने का तो अवसर ही काम देते गुरुदेव। गुरुदेव तो अपना चरण स्पर्श चरण देते नहीं किसी को कि भाई इसकी इसको आप दबाओ मालिश करो, और आपने गुरुदेव के चरणों की मालिश की, आप तो धन्य हो गए। बुद्धि पे अनुभूति है, बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। आपका भविष्य उज्जवल है, मैं गुरुदेव से कामना करूंगा प्रार्थना करूंगा कि आप सभी जैसे जो भी बच्चे सिद्धियों को अपना रहे हैं ध्यान कर रहे हैं उन पर आप कृपा करें, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट न हो कष्ट न हो, हमारी यही विनती है आपसे प्रभु। ये बताइए आगे बताइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, हम संडे हर संडे को मिलते हैं हर रविवार को, तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक या अगले संडे तक जब भी आप ध्यान करते हैं तो उस ध्यान के दौरान कोई अनुभव अनुभूति होती है आपको? हाँ। तो उन अनुभूतियों को आप बताएं ना फिर। जैसे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जैसे कोई अनुभव हो रहा है ना, आप कॉपी पर लिख लीजिए नोटबुक पे कि आज मुझे ये अनुभव हुआ, तो जैसे प्रोग्राम आता है वो डेट वाइज आप बताएं कि इस दिन को ये मेरा अनुभव है, इस दिन का ये मेरा अनुभव। क्योंकि क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं दो दिन एक दो दिन में तीन दिन में, और जब आप लिख लेंगे तो भूलेगा नहीं और एक रिकॉर्ड बन जाएगा आपके पास कि मतलब मैं जब ध्यान करता था या ध्यान कर रहा हूं तो मेरे ऐसे ऐसे, जब भी आप उसको बाहर में पढ़ेंगे ना तो गुरु के ऊपर आपका भाव और बढ़ेगा, गुरु गुरु के प्रति आपका प्यार और बढ़ेगा। तो गुरुदेव ने ऐसा ऐसा अनुभव करवाया था, ऐसी ऐसी अनुभूतियां करवाई थी, उसको आप नोटबुक पर लिख लें जैसे ही आपको कोई अनुभूति होता है ध्यान के दौरान। जैसे अभी आपने अनुभव बताया कि गुरुदेव हमारे घर पे आए, हमें उनको हमने उनकी सेवा की, हमने खाना खिलाया पानी पिलाया, उनके चरणों की सेवा की, चरण को दबाया, ये बहुत दिव्य अनुभव है, इसको भी आप लिख लीजिए। जब कभी साल दो साल के बाद आप पढ़ेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसे दिन और इस समय आप दिन तारीख सब डाल दिया कीजिए कि किस दिन कौन सा अनुभव हुआ है। धन्यवाद आपका। और भी कोई बच्चा अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है। विक्रम जी गुरु भाई आपके पास तो एक फौज रहती है, मेरा निवेदन है कृपया अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कीजिए। नाभ्या राठी जी हैं, पार्थ लोहार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरा निवेदन है कि आप लोग बारी बारी से अपनी बात को रखें, बच्चों अगर बच्चे हैं तो फिर मंच पे बच्चों को आने दीजिए, वो अपनी बात को रखें, कोई भी व्यस्त कहें तो फिर मेरा भी उनसे यही निवेदन है कि वो भी अपनी बात को रख सकते हैं। आपके घर में कोई बच्चे हैं तो उनको आप लाइए जोड़िए और सिद्धियों का लाभ कैसे प्राप्त होता उनको बताएं। जय गुरुदेव। विक्रम से गुरु भाई मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जय गुरुदेव भाई साहब, यदि कोई नहीं आता है तो सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। नहीं नहीं, एक फौज बैठी है वो इंतजार कर रहे हैं। विक्रम जी आगे, गुरु भाई जय गुरुदेव, बच्चों को क्रमशः लाइए और अब कोई अनुभूतियां हो तो उनको बोलिए बताने के लिए। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? माइक आपका बंद है जी अभी? हाँ, ले वंश का पटेल बता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। हाँ
अरे आप बोलिए, चलिए अब मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूँ उसका आप जवाब दीजिए। अभी आप ध्यान कर रहे हैं ना, दो तीन सप्ताह से आप लोग ध्यान कर रहे हैं ना, तो आप संडे से अगले संडे तक ध्यान करते हैं और हमारा कार्यक्रम हर संडे को आता है, तो सोमवार से लेकर के रविवार तक जब आपने ध्यान किया तो सोमवार को कोई अनुभव हुआ, मंगलवार को हुआ, बुधवार को हुआ, किस दिन क्या कौन सा अनुभव हुआ थोड़ा बता सकते हैं आप? बताइए। मैं उधर गई थी। कहाँ गई थी आप? मम्मी के साथ पार्क गई थी, तो वहाँ अच्छा? पे मैंने मेरे को मम्मी कहती हैं मैं अभी आ रही हूँ, मम्मी चली गई थी, फिर मैं अकेले बैठी थी वहाँ पे, तो फिर दादा गुरुदेव आए, फिर कहते हैं फिर हमको खिलाए, फिर उसके बाद झूला झूलाए थे और मैं फिर थक गई, तो फिर उन्होंने हमें गोदी में ले लिया और फिर हम लोग फिर खेलने लगे, तो हम गिर गए थे और फिर उन्होंने हमें लग गया था, तो उन्होंने हमें पट्टी बांधी हमको। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप घर पे अकेले थे तो आपके घर पे दादा गुरुदेव आए, आपको उन्होंने खाना खिलाया? पार्क में। अच्छा पार्क में थे आप, चलिए ठीक है, तो आपको दादा गुरुदेव आए और आपको खाना खिलाया, आपको अपनी गोदी में उठाया, आपको फिर खिलाया, खेल खिलाया, आपको चोट लगी तो आपको पट्टी भी दादा गुरु ने बांधी, और क्या चाहिए, इतनी कृपा हो रही है जब समर्थ गुरु की। जी बोलिए आप बोलिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। बच्चे नए जुड़े हैं अभी, थोड़ा लेट हो गए थे ध्यान में, वो आखिरी आखिरी में थोड़ा मंत्र सुना देना इन बच्चों को, जो सुन लेंगे अगले रविवार से समय पे आएंगे। बिल्कुल गुरु भाई जी, अगर कोई समस्या ना हो तो जितने बच्चे हैं उनको एक बार चला दीजिए, बच्चे मंत्र सुन लें। हाँ हाँ चला देना। पंकज जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि थोड़ा मंत्र का वो चला दें। राशन का ना अब कैसे छूटे, नाम रट लगे, किसके लगे नाम रट, राम के लगे, कृष्ण के लगे, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के, अरे उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है, एक शब्द क्लीन शब्द कह आधा लय में मिला हुआ बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकलेगी पीछे, आप अंग बोलो या स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो अभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है, तो इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्री लगनी चाहिए, क्रह नहीं क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा, तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है, राधा तत्व तो है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा, आप भी जो है ना जो मैं मंत्र बताऊंगा Kling Krishna Kling 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 Kling
क्लिंग कृष्ण क्लिंग सभी बच्चे मंत्र को सुन लिए होंगे मुझे इसे उम्मीद है। और मेरा एक और निवेदन है कि जो भी नए बच्चे जुड़े हैं इस मंत्र को आप भूल करके भी अपनी जबान से या भूल करके भी किसी को लिख करके मत बताइएगा। जिसको भी बताना हो गुरुदेव की आवाज में वो वीडियो चला दीजिए या तो विक्रम जी गुरु भाई से संपर्क कीजिए वो बता देंगे। आप कभी भी भूल करके मंत्र को आपको नहीं बताना है, बस यही एक प्रतिबंध है। और आप सब कुछ बता सकते हैं, जो भी आपके जीवन बदलाव आता है ध्यान के दौरान जो भी अनुभव होता है सब कुछ बताइए मंत्र के अलावा। मंत्र आपको नहीं बताना, मंत्र सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की आवाज में ही बताना है। किसी कोई बोलता है कि मेरा उच्चारण सही नहीं हो रहा है तो कभी भी उसका उच्चारण सही करने के लिए भी आप अपनी जबान से मत बताइए। उनको बोलिए कि आप बार बार सुनिए इस मंत्र को, सही हो जाएगा अपने आप। ये प्रतिबंध है, बस एक ही लक्ष्मण रेखा है आपके जीवन में और कुछ भी कोई प्रतिबंध नहीं। और कुछ किसी और बच्चों को कुछ पूछना है तो स्वागत है। रबीना गुरबान जी मेरा निवेदन स्वीकार करें, आपके स्कूल में अगर कोई ताजा अनुभव बच्चों के साथ हुआ तो कृपया शेयर करें। जय गुरुदेव। नहीं तो समय हो चुका है। जय गुरुदेव बच्चों, बहुत प्यारी प्यारी अनुभूति आपकी सुन रही थी। और ये एक गुरुदेव भगवान का हमारे लिए प्रसाद है जो हमने ग्रहण किया है, और जो ग्रहण करेंगे उसका जो स्वाद है ना वही जान पाएंगे, ये बात याद रखिए। अभी मुझे फर्स्ट क्लास मिली है तो लास्ट पीरियड अभी जो मेडिटेशन के लिए ही दे दिया मैंने बच्चों को। अब उनको भी पता चल कि मैम अभी मेडिटेशन का टाइम हो गया है, और वो सो जाते हैं आराम से जब तक घर का टाइम नहीं होता तो वो और रिलैक्स फील करते हैं। फिर मैं पूछती हूँ कैसा लगा तो कोई बोलता है कि मैं घर पे था, मैम आपने जगा दिया। मतलब छोटे छोटे बच्चे कितने होते हैं, 6-7 साल के ही, वो अपनी वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो अनुभूतियां बताते हैं। और प्रिंसिपल सर ने भी बोला पहले हम इनको जल्दी छोड़ देते, 8th पीरियड में छोड़ देते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि आप 2:30 पे छोड़ना। तो ये 2 से 30 तक वो बढ़िया आराम करते हैं और गुरुदेव भगवान को जपते हैं। ये देखो हमारे घर में ही है, ये जो भगवान करवा रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मैंने कहा चलो पहले उधर बाहर खड़े रहते थे तो कोई नहीं थी, अभी बच्चे मंत्र सुनेंगे और ध्यान करेंगे तो मेरे लिए ये एक खास अनुभूति भी है। और मेरा एक्सपीरियंस जो है ना ये बच्चों के प्रति जो मतलब भगवान सबके घट घट में जब वास कर रहे हैं ना, सबके दिल में वास कर रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया भगवान का एक आदेश है, एक उनका हमारे लिए प्रसाद है कि ऐसे बांटो जिसको जो काम दिया गया है, जिसको जो भूमिका दी गई है, जिसका जो जो रोल प्ले करना है इस दुनिया में, भगवान ने जो भी दिया गया है जो दिया है आपको स्वीकार कीजिए और उस तरह से ही आप बांटिएगा उसको। तो मेरी सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्नों से यही प्रार्थना है, आपकी बहुत अच्छे अच्छे दिव्य अनुभव है, ऐसे ही आपके बढ़ते जाए और अपने परमपिता परमेश्वर को दिल में रखिएगा, मन में रखिएगा, घट घट में रखिएगा, घर में रखिएगा, पूरी बॉडी में रखिएगा। आपका जो है को कुछ अहित नहीं होगा, सिर्फ हित होगा, और भगवान जो है वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। धन्यवाद बहन। गुरुदेव कहते हैं, मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि गुरुदेव कहते हैं कि आप जहां भी मुझे याद करोगे मैं वहां पे उपस्थित हो जाऊंगा। आपको कभी भी गुरुदेव की आवश्यकता पड़े प्रार्थना कर लीजिए, गुरुदेव हमारी मदद कीजिए, हमारे साथ चलिए। आप हमेशा महसूस करेंगे गुरुदेव आपके साथ है, क्योंकि वो परम सत्ता है, वो ईश्वर है, अवतार है, नर के रूप में वो नारायण थे, गुरुदेव है। और हमारा जीवन कितना अच्छा है कि इस जीवन में हमें
साक्षात ईश्वर के दर्शन हुए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। एक पैसा आपका नहीं लगता है और आपकी बीमारी दूर हो जाती है तो ईश्वर की कृपा ही है, तभी तो दूर होती है, नहीं तो लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी बीमारियां दूर नहीं हो रही, आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसमें तो इतना है कि मंत्र जपिए तो आपका मेमोरी पावर इतना हाई हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है कि आप जो भी पढ़ोगे वो भूलोगे नहीं। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न पत्र आपको आएगा, आपके सामने जो पेपर आएगा वो आपको ध्यान में दिख जाएगा। लेकिन वहां भी एक कंडीशन है कि जो ध्यान में आपको दिखेगा बताना नहीं है किसी को, उसका लाभ खुद आप लीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो आप कमाएंगे ना आपके ही खाते में एंट्री होगी, दूसरे खाते में इसकी एंट्री नहीं होगी। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि ऐसी कभी आपको अनुभूति होती है या कोई दिव्य दर्शन होता है परीक्षा के दौरान आपको कुछ दिखता है प्रश्न पत्र, तो आप किसी को बताइए। जी पंकज जी, गुरु भाई ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है गुरु भाई। जी जी भाई साहब, मैं बच्चों से यही निवेदन कर रहा था, पढ़ाई तो करनी ही है कहीं गुरुदेव से बोलने लग जाए कि भी पेपर दिखा दो हमारे को तो नहीं, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा, चलना तो हमें है रास्ते पे, और वो गुरुदेव की इच्छा होती है कि दिखाएं नहीं दिखाएं। और बिल्कुल बिल्कुल, हमें जैसे गुरुदेव ने बड़ा सरल और साधारण जीवन जिया है उसी तरह हमें भी जीना है। और मैं इसलिए बताता हूँ कि इसमें एक रास्ता है, आपको परीक्षा का पेपर दिख सकता है लेकिन उसके लिए आपको आराधना करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। गुरुदेव का जो सिस्टम है ना, ये जो सिद्धि योग है बड़ा सीरियस योग है, आसानी से नहीं प्राप्त होते ईश्वर। गुरुदेव कहते हैं ना कि नाम जपिए, ध्यान कीजिए, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हर समस्या का समाधान सिद्धि योग के द्वारा हो सकता है। कार्यक्रम का समय भी हो चुका है, मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप लोग कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें और हम गुरुदेव के श्री चरणों में जयकारा लगाएंगे और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अपना कैमरा माइक दोनों अनम्यूट कर लीजिए, जयकारा के लिए तैयार हो जाइए। जय गुरुदेव आप सभी को। अपना माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए जयकारा लगाते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में चलिए प्रेम से बोलिए कल की अवतार की, कल की अवतार की, गुरुदेव सियाग की, जय हो गुरुदेव सियाग।